अजमेर मंडल खेलकूद संघ के तत्वाधान में 16 से 23 जनवरी तक एडीएसए स्पोर्ट्स ग्राउंड पर अंतर मंडलीय क्रिकेट प्रतियोगिताओं का आयोजन की शुरुआत बुधवार को की गई। प्रतियोगिता में 8 टीमें अजमेर, जयपुर, जोधपुर, आरपीएफ हेडक्वार्टर, अजमेर वर्कशॉप और जोधपुर वर्कशॉप भाग ले रही हैं। लीग आधार पर आयोजित इस प्रतियोगिता में 2 पूल बनाए गए हैं, जिसके अंतर्गत आज पहले मैच में अजमेर मंडल और अजमेर वर्कशॉप और दूसरे मैच में जयपुर मंडल और रेलवे सुरक्षा बल के बीच मुकाबला हुआ। डिवीजन क्रिकेट टूर्नामेंट है जो कि एनडब्ल्यूएल स्तर पर आयोजित किया जा रहा है और इसका आयोजन करता है अजमेर डिवीजन। तो उसमें आज पहला मैच जो खेला जा रहा है ओपनिंग के अंदर अजमेर डिवीजन वर्सेज कारखाना, अजमेर कारखाने के मध्य खेला जा रहा है और दूसरा मैच यही लोको में ही चल रहा है, यही सेम, और वहाँ पर जयपुर मंडल के बीच में और आरपीएफ के बीच में खेला जाएगा। और ये प्रतियोगिता लीग बेस पर की जा रही है जिसका 7 दिन तक आयोजन होगा और 23 तारीख का इसका फाइनल होगा मैच। खुशियों के ये पल आज है और है कल, हम इस पल को जी ले, कुछ खा पी ले। पिज़्ज़ा पॉइंट कनगौर फॉर डिलीशियस मोमेंट्स। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।